सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग में मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। तो गाइस, मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाता हूँ। हम दो जा रहे हैं, हम और दीपक, एंड बहुत मजा आने वाला गाइस। अब वीडियो को देखते रहना होंगे और मैं जाता हूँ, जो जो होगा मैं हम लोग ना पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम लोग ना भूख लग गया, हम लोग बिना कुछ खाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस, हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ। गाइस, हम ना फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि ना ये खाऊंगा तो थोड़ी एनर्जी मिलेगा हम लोग को। तो गाइस, मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद आगे का। हम लोग खा लिए एंड अब हम लोग जा रहे हैं गाइस। बहुत मज़ा आया खाने में, थोड़ा एनर्जी मिला है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जाम में फंसे हुए हैं, बेकार दिन। क्या ट्रैफिक है यार, क्या चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये ना जाम ना बहुत देर तक बुलत करेगा, लोग निकालते ही रहे करके, समझ में नहीं आ रहा करे तो करके। ए भैया, कैसे निकाले, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले गाड़ी। ये पुलिस वाले कोई काम कर रहे हैं, इन लोग से गाड़ी निकलता ही नहीं कभी, लोग ट्रैफिक का भी ठीक होता ही नहीं है पुलिस लोग से, हम लोग क्या ही बोले। कैसे निकाले गाड़ी यार इधर। ये भैया इंडियन ऑयल वाले थोड़ा सा दिमाग दिखा रहे हैं, इसके इनके हाथ नहीं है, फिर भी दिमाग से निकाल रहे हैं। ये जाम अभी ख़त्म हुआ, कहाँ फंस गए भाई। इधर से निकलेगा। हाँ, पुलिस लोग तो पूरा है बट कोई काम का नहीं है, फिर इधर फंस गए। इधर से निकालो, अबे कहाँ कहाँ आ रहे हैं हम लोग ये जाम के कारण। अच्छा, इधर से है मेन जाम के कारण। क्या है, ये पुलिस की गाड़ी ही है मेन जाम के कारण, ये पुलिस की गाड़ी। बीच रोड में खड़ा करने का मतलब क्या है। बहुत मुश्किलों के बाद में निकला हूँ जाम से, और ये फालतू के मतलब ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे, कोई बिना मतलब का ही, मतलब कोई किसी को दिमाग ही नहीं है सही से। जान के गाड़ी खड़ा कर देना पुलिस लोग, क्या मतलब क्या जरूरी था जान के रोड पे गाड़ी खड़ा कर देना, रोड पे खड़ा कर देते गाड़ी, जाम लगेगा ही ना। तो गाइस, अब हम लोग मस्ती करते हुए चलते हैं। ओके, तो गाइस हम यहाँ पहुंच गए हैं एंड पहुंच ही गए, अब थोड़ा देर और वेट कर लो। पहुंच गए और तो गाइस हम लोग यहाँ पहुंच गए, और हम लोग ना सोचा था मैं स्कूटी चढ़ाऊंगा ऊपर, बट यहाँ पे स्कूटी चढ़ाने का रास्ता ही नहीं है। देखता हूँ, नहीं है, कहीं नहीं है, देख रहा हूँ, अगर चढ़ा लूँगा तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पे तो जगह चढ़ाने का तो है नहीं, और ऊपर समझ में नहीं आ रहा, बट ऊपर जा रहा हूँ मैं। ये देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं, ये कोयल का आवाज़, यहाँ क्या कोयल का आवाज, बट देखियो पत्थर भाई, पत्थर कितनी बड़ी है, गजब आवाज, बट सुनाई नहीं दे रहा, किधर से बोल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट बोल ले फिर से। वो देखो ये ना, ये मुझे ना, मैं इसको इस पहाड़ को किसी को मतलब किसी के ब्लॉग में देखा था मैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं ये ना, ये देखो बहुत ही ख़तरनाक है ये पत्थर, पूरा देखो पूरा पत्थर ही है, बट चढ़ना मुश्किल है, और पता नहीं क्या है, मैं चढ़ पाऊंगा नहीं चढ़ पाऊंगा, बट वो दीपक तो नीचे ही रह गया। दीपक आजा ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है, बट देखता हूँ, कोशिश करता हूँ चढ़ने का। ये देखो कहाँ गए हम लोग,
हो ये है पत्थर, और ये पत्थर पे चढ़ना मुश्किल है, मेरी बस की बात नहीं है। बट यार क्या गजब लग रहा है, आओ ना ये भाई। ये तो मना कर दिया, अब मैं अकेले कैसे चढ़ूँ। दीपक को मना लिया मैं, और दीपक भी चढ़ रहा है। देखो कहाँ गया दीपक, दीपक हाँ आ गया दीपक भी। तो गाइस अब ना मतलब अकेले चढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट अब साथ में चढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत है, देखो यहाँ पे यहाँ पत्थर ही है, तो पत्थर जरा सा भी दीपक मना कर रहे थे चढ़ने से। जैसे रास्ता है रिक्शा लेना चाहिए, बट अब हम लोग इधर से चढ़ रहे हैं, इधर से चढ़ रहे हैं। बट इधर तो बहुत क्या क्या है, ओ गजब बच्चों। तो गाइस तुम इधर आ गए, और हाँ तू आराम से, तू ही स्लिप करता है, मेरा पैर स्लिप नहीं करता। बट हाँ सही है, ये दीपक को ना हाथ देने का जरूरत पड़ रहा है। आजा भाई आजा दीपक बच गया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो गाइस आ गए हम लोग यहाँ पे, और मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये पहाड़ थोड़ा। तो गाइस बहुत दूर आया हूँ, 26 किलोमीटर आया हूँ इसके लिए, हजारीबाग से 26 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो गाइस अब क्या करें, पहाड़ चढ़ते हैं, और पूरा नहीं चढ़ूंगा यार गाइस, थोड़ा सा दूर चढ़ूंगा उसके बाद वापस। दीपक को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ना इसको ना अभी तक जितना पहाड़ भी चढ़ा हो ना, हर पहाड़ में इसको प्रॉब्लम होते रहता है। दीपक भाई ठीक है ना, आजा गाइस। पता नहीं इसका पैर फिसलते क्यों रहता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या क्यों फिसलता है इसका पैर। बट मैं तो चढ़ लेता हूँ सही से, मैं तो सही से चढ़ लेता, मुझे पता नहीं था इतना खतरनाक था पहाड़। बट ना ये इस पर एक ना वीडियो शूट हुई है, बहुत ही खतरनाक है वीडियो, उसी की वजह से मैं देखने के लिए आया हूँ कितना खतरनाक पहाड़ है। तो गाइस यहाँ पे आ गया हूँ, क्या सुकून है, शांति शांति। और गाइस अभी जान निकल रहा है हम लोग का। तो गाइस हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद नीचे उतरेंगे। ओके हलो ना, ये देखो ये सबसे ना बहुत दिक्कत होता है इसमें ना, हम लोग मुझे लगा कोई आग लगा दिया था पहाड़ में, क्योंकि देखो पूरा ये सब ना पूरा काला काला हो चुका है, मतलब जल के राख हो चुका है। बारिश हुआ था, बारिश की वजह से फिर ठीक हुआ है, बट पूरा लग रहा है ना पूरा, मतलब कोई आग लगा दिया था इसकी वजह से पूरा पहाड़ में आग लग गया था। बट हरा भरा है ऊपर, मतलब छोटे छोटे झाड़ी, जितना भी छोटे छोटे झाड़ी है वो सब तो अजीब सा दिख रहे हैं। देखो एंड गाइज हम लोग को हो गया पहाड़ चढ़ना, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मुझे कहीं और भी जाना है। तो गाइज मैं नीचे उतरता हूँ। ओके ओके गाइज, मतलब ना हर जगह पे रिक्स है, तो गाइज आराम से नीचे उतरना पड़ेगा हम लोग को। और ये दीपक तो अटक गया यहीं पर। तो गाइज ओए गजब, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से दीपक यहीं पे है। दीपक उतर जा, डर लग रहा है, डरना नहीं भाई, उतर आराम से नीचे। शादी भी नहीं हो मेरा। हाँ ठीक है, शादी हो जाएगा, टेंशन मत ले। ये बोल रहा है दीपक, बोल रहा है मैंने गिर जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा दीपक, क्या होगा गिरेगा तो तो आराम से भाई, यहाँ पे अच्छे से उतरिए, देख ले दीपक यहाँ पे अच्छे से उतरियो। हम लोग इधर से आए थे। तो गाइस ये पहाड़ ना बहुत ज़्यादा रिक्स है, मतलब हर जगह पत्थर है, गिरेंगे पत्थर से भी चोट लगेगा, और भी और क्या क्या होगा पता नहीं। बट इधर से मत आइए, हम लोग नीचे उतर गए, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे प्लस हो गया हम लोग आए में, 2 घंटे प्लस हो गया आने में मुझे लग रहा है कि 30 से 35 मिनट लग गया, और अभी टाइम लग गया हो गया आधा घंटा। तो गाइज अब हम लोग एक जगह और कहीं जाना है, तो वहाँ पर जाना है मुझे, एंड वहाँ पर जाता हूँ गाइज। ओके मज़ा आया, ज़्यादा चढ़ा नहीं बट मज़ा आया, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है पहाड़ चढ़ने मुझे, क्योंकि ना क्या ही बोलूँ मैं। ओके गाइज तो फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे, और वहाँ से निकल गए, एंड अब मुझे ना फिर से कुछ खाने का मन कर रहा है। तो गाइज मैं फिर से कुछ खाता हूँ, ओके मैं कुछ खाता हूँ फिर से, एंड मुझे पानी भी प्यास लग रही है। तो गाइज मैं पानी भी पी लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर मैं आप लोग से बातें करता हूँ। तो गाइस हम लोग खा लिए, एंड अब मुझे जो काम था वो काम कर लेता हूँ। ओके हम लोग खा लिए, हो गया, एंड क्या बोल रहा था मैं जो कुछ मुझे काम है, एंड मैं काम कर लेता हूँ, फिर मैं घर जाऊँगा,
और मुझे काम थी इसी कारण मैं आया था इतना दूर, और मुझे पहाड़ भी चढ़नी थी इसलिए मैं आया था। तो गाइज मैं अपना काम कर लेता हूँ फिर, मैं तो फिर ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके okay?